राधा गोपालानंद
सभ्यतम पतितपावन परम करुणामय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवर्तिताचार्य त्रिगंडे स्वामी 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभी स्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। मित्रलाप विष्णु विष्णु पाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य वृंद की जय। श्री रूपानुग्रवर्ग वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। सर्व उपनिषदों की जय। श्री गीता भगवद्गीता उपनिषद की जय। जय उद्दिष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अपने अपने परम आराध्य श्रील गुरुदेव महाराज की जय। हरी हरी बोल। एक साथ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल्पतरुयश्च नमो महावदन्य Shiva
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare सकलित पादानां भूमिरेव अवलम्बनम् तैयजाकयपराधानां त्वमैव शरणं त्वमैव शरणं गीता सुगीता कर्तव्या मनुष्यास्त्रविस्तरे या स्वयं वर्तनास्य मुखपद्मान्विनिस्मिता सर्वोपनिषदो गावो दुःखावपालनन्दना दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकीपुत्रदेवो देवो देवकीपुत्रदेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि परमाप्यतमं तस्य देवस्य सेवा श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का आज पाठ करेंगे, अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच, एक छात्र तम तथा कृपया दृष्टम अश्रुपूर्ण कुले क्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतस्तवाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारदुष्टम स्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुन। अर्जुन कथम भीष्मे द्रोणी प्रतियोस्यामी पूजारहावरिसूदना। गुरु न हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यमपि अलोके हत्वात् कामास्तु गुरु भुञ्जीय भोगानुधि प्रदिग्धान्।
नाचैतद्विद्वं कर्तनो गरीयो यद्वायजेयदिवानुजयेयु स्थिरवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कर्मण्यदोषोपपत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयसान्निश्चितं भूतं तन्मे शिष्यस्ते हं साधीमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममाहनुद्या शोकमशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभुमासपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जयोवाच एवं मुक्तादिकेशं गुडाकेशपरन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा कुशणीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सिंहयोर्भयोर्मध्ये निशितन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचाननवशोचस्त्वं प्रज्ञवादाशाशसे गतासून गतासुंश नानुशोचन्ति पण्डितः नात्रेवाहं जातो नासं न त्वं नेणीमिदनाधिप न चैव रामिष्यामः सर्वे वयमतपरम् देहिनौ अस्मिन्नन्यपदे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर्प्राप्तिभिरस्तत्र न मूयते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमपायिनो नित्यास्तांस्तदिशव भारत पुरुषं पुरुषर्षवा समदुःख सुखं धीरः सोऽहं मृत्वा वै कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टो स्वनायोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तमिमेदेह नित्यस्य योगा शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुख्यस्य भारत य एनं वेति अन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति अन्यते न जायते म्रियते कदाचित् नायं भूत्वा भविता मनपूर्व अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजवमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम्भाद्यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथ विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा सञ्जाति नवानि नयनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक न चैनं क्लीयते अन्त्यापो न शोषयन्ति मारुत अच्छेदोऽयन्तायोऽयमलमित्योऽयवशोष्येव च नित्य सर्वगतः सानूरचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमभिकार्योऽयमच्छत तस्मादेवं विदित्वैनं नाशोऽजूतुमर्हसि
अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचतुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनैमन्यश्नोति श्रुत्वापेन वेदना चैव कश्चित् नित्यमप्यद्रोयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि कल इकतीस के आगे पाठ मैंने उपनिषदों को जब पढ़ना शुरू किया अध्ययन शुरू किया तो मैंने एक चीज पाई इसमें बहुत से श्लोक भगवत गीता में लगभग एक दो शब्द इधर उधर करके एज इट इज इसमें मतलब उपनिषदों में जो श्लोक हैं वही श्लोक भगवत गीता में लगभग अन्य प्रतिवे अन्य प्रत्यय करके आगे पीछे करके शब्द होते हैं जिससे ये पता लगता है कि भगवान ने जो भी बोला है वो सभी ऋषियों ने उसको अपने अपने शब्दों में स्वीकार किया अर्थात अपने अपने जहाँ पे उन्होंने ज्ञान को अपने शिष्यों को अपने पास बैठा करके जो परम तत्व का ज्ञान है वहाँ ले जाने का जो प्रयास किया उसमें सभी ने भगवान के आदि जो ज्ञान है उसी को लिया जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कल भी दर्शन कर रहे थे भगवद गीता का तो उसमें ईशावास्योपनिषद ओम परमात्मने नमः शांति पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 आज हम तृतीय श्लोक का चिंतन करेंगे असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चाह च आत्महनो जना कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो परमात्मा है उसके द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि हुई है जो परम पुरुष हैं वो ही अन्य व्यतिरेक रूप से अन्य व्यतिरेक का मतलब होता है साक्षात या परोक्ष किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं का संबंध है उसे अन्य व्यतिरेक रूप से वह सारे का सारा अनंत जो सीमाएं मतलब जिनकी सीमा नहीं उन्हें अनंत उसके अंतर्गत जो भी कुछ आता है उसे ग्रंथकारों ने उसे ऋषियों ने परमात्मा कहा उसे ईश्वर कहा
क्यों कहा? इसका अर्थ है आत्मा ही आत्मा को दिखलाती है, अनात्मा अर्थात जड़ तत्व कभी चेतन को नहीं देख सकता। जड़ चेतन को नहीं देख सकता तो मतलब ये मुझे नहीं देख सकता, मैं इसे देख सकता, ये शरीर ये आंखें मेरे मन को नहीं देख सकते, लेकिन मेरे मन के बिना ये नहीं देख सकते। आपके सामने दृश्य है मगर वह दृश्य आप नहीं देख पाएंगे अगर आपका ध्यान कहीं और है। आप सुन रहे हैं, मन अगर कहीं और होगा, मैं बोलूं आपने सुना, वो मन कहीं और, उससे क्या होगा? उससे पता लगता कि जड़ तत्व जो है, स्थूल जो है, वो सूक्ष्म के अधीन है। स्थूल किसके अधीन है? सूक्ष्म का मतलब उससे छोटा। हम क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि क्या कहती है? जो छोटी चीज है बड़ी चीज के अधीन है, ऐसे सोच है ना। लेकिन इसके उल्टा है, आध्यात्मिक जगत में इससे पूरा उल्टा। मन कितना सूक्ष्म है, उसको पकड़ना भी सबके समर्थ में नहीं। वायु रे सुदुष्कर, वायु से भी सुदुष्कर है। और उस मन, वो मन जो है इस सारे शरीर को चला रहा है। मन ने अगर इच्छा की है जाने की तो कोई रोकेगा तो वो अपने शरीर की परवाह नहीं करेगा, मरने मिटने को तैयार हो जाएगा, मतलब शरीर भी खत्म करने को तैयार होगा, होता है ऐसा। तो बलवान कौन हुआ, ये बड़ा शरीर हुआ या वो सूक्ष्म मन हुआ? सूक्ष्म मन हुआ है ना। अच्छा, उस सूक्ष्म मन के ऊपर है बुद्धि। अगर बुद्धि स्थिर है, अगर बुद्धि के अंदर यह ज्ञान है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या वो मन की सुनेगी? मन अगर गलत करना चाहते तो क्या सुनेगी? बुद्धि में अगर ये विकार है, ये विचार है कि नहीं मैं तो अब बुरा ही बन के दिखाऊंगा, तो क्या मन उसको रोक सकता है? ये जो ज्ञान हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तविकता में आत्मा का अनात्मा के साथ है। अनात्मा मतलब ये जड़ तत्व, आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा का अनात्मा के साथ जो संबंध है, जो गठन हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उसका कारण जानने के बाद में उससे अनासक्त होकर कैसे इसको चलाया जा सकता है। आज क्या हो रहा है, हमारा मन हमको चला रहा है, ऐसे ही है। हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी है, मन के ऊपर हावी, कैसे? कई लोग ऐसे हैं जो कि शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाते, उल्टा शरीर के अनुसार। शरीर यदि नहीं चलेगा अनुकूल तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, कहते नहीं, शरीर जड़ है, शरीर क्या है? जड़ है, नहीं हिलेगा अगर तुम नहीं हिलाओगे तो। अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैंने उठना नहीं, कुछ भी होगा, तो आपका शरीर स्वस्थ होने पे क्या आप उठ पाएंगे? इसका मतलब स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, मगर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। शरीर के अंदर जो आलस्य है उसको हम मन के ऊपर हावी करते हैं, और मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, और अंत में आत्मा मन के अधीन, बुद्धि के अधीन होकर के क्रिया को करने के लिए मजबूर होती है। यहाँ पर भगवान के बारे में बतला रहे हैं कि जो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने पर भी वह ईश्वर एक जगह पे है, सर्वव्यापक है एक जगह है, दो नहीं चीजें कैसे हो सकती हैं? एक में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? आज जो हम श्लोक पाठ करेंगे उसके अंदर एक शब्द आया है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनैर्देवा अनु आपनुवन्
पूर्ववर्षतः तद्धावतो अन्यान् येति तिष्ठन् अस्मिन् नपो मादृश्वा दधाति। आज दो श्लोकों का हम लोग चिंतन कर रहे हैं, वो ये है कि जो परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, जिसे उसका जो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि तुम उसे ये नाम से बुला सकते, कहते उस नाम से बुला, लेकिन ऋषियों ने अपने तरफ से बुद्धि से नाम नहीं दिया, ये एक विशेषता। जैसे पाश्चात्य देश के जो फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने उसे गॉड कहा, जियो को यहोवा कहते हैं, उनके पास में परमात्मा के नाम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें परमात्मा के गुणों का नहीं, उन्हें पता ही नहीं परमात्मा को, परम सत्ता को जानते नहीं, लेकिन कहीं कहीं वो मानने को मजबूर हुए कि जहां उनकी बुद्धि काम नहीं करती वहां निश्चित रूप से कोई और काम कर रहा है, और वो कौन काम कर रहा है उसको उन लोगों ने कुछ कुछ नाम दिए, स्पिरिट नाम दे दिया उसको, उन्होंने सोल नाम दे दिया, और उन्होंने उसका नाम दे दिया गॉड। गॉड वास्तविकता में जो नाम दिया है ये इंडियन फिलोसोफर ने दिया, ये विदेश का नाम नहीं है, कहीं भी क्रिश्चियन धर्म में गॉड शब्द नहीं है। गॉड शब्द दिया तो जो न्यू टेक्स्ट है ना, एक ओल्ड टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट मतलब जो पुरानी किताब है, उसमें गॉड नहीं है, यहोवा है। गॉड शब्द भारतीयों ने दिया, कैसे दिया, उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही सृष्टिकर्ता स्थिति और लय के कारण, एक के कारण सृष्टि होती, किससे सृष्टि होती है, स्थिति किससे होती है, संरक्षण किससे होता है, विष्णु जी से, नाश किससे होता है, शिव जी से, ठीक है। ये जी मतलब जनरेटर, जो पैदा करता है वो है ब्रह्मा, ओ मतलब ऑर्गेनाइजर जो पालन करता है, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नाम जो विदेश में दिया ये हिंदुस्तानी फिलोसफरों ने दिया है, हजारों साल या सैकड़ों साल पहले जब भी दिया है। तो कहने का अभिप्राय कि उस परम सत्ता को आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, कह दीजिए, लेकिन जब आप परम सत्ता बोलते हैं तो सीधा सीधा नाम आता है परमेश्वर। तो वह परमेश्वर सर्वत्र होने पर भी, ध्यान देना, सर्वत्र होने पर भी एक स्थानीय है, एक जगह, सब जगह होने पर एक जगह कैसे है, कहते हैं वो अचल है, चलता नहीं है, लेकिन सबसे तेज गति उसी की है, जो चलता नहीं वो सबसे तेज कैसे चल सकता है। कहते जिसकी गति मन से भी, यहां लिखा है ततः अनेजतः एकम, वह परमेश्वर अनेजत, अनेजत मतलब अचल है, एक है, मनसा जीवया, मन से भी जीवया अर्थात मन से भी जवीय है, उसकी गति बहुत तेज है, मन से बहुत तेज गति, मन की गति कितनी तेज है, सूरज की रोशनी जो है प्रकाश की गति कितनी है, एक सेकंड में जो प्रकाश है ना, ये जो स्लाइट कहते हैं, एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर दूर जाता है, 300,000 किलोमीटर दूर मतलब पृथ्वी को 6 बार ऐसे चक्कर मार देगा एक सेकंड, उससे भी तेज है मन की गति। और कहते हैं मन की गति से भी तेज है उस आत्मा की गति, और उस आत्मा की गति से भी तेज है उस परमात्मा की गति, जो एक जगह है। फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ा ही उल्टी बात कह रहे हैं, अपूर्वम अर्षतः एनतः देवा न आपनुवन, अर्थात सबके आदि हैं, पूर्वम सबके आदि, अर्षतः ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाले हैं, वो ज्ञान स्वरूप होने का मतलब जो स्वयं ज्ञान है, सबसे पहले जो हैं
उनको सब कुछ मालूम है जो कुछ हुआ है। हमें नहीं मालूम हमारे पीछे क्या हुआ, हमें वही मालूम होगा जो हमारे सामने होगा, है ना। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं पूर्वम, अर्थात वो आदि हैं, पहले से हैं, और अशत सब कुछ जानने वाले। क्या जानने वाले? एनतः कहते देवताओं को, और जो देवता इत्यादि इंद्र इत्यादि जितने भी ये प्राण को धारण करने वाले वायु अग्नि जो भी वरुण देवता इत्यादि हैं, उन सब की गति को वो जानने वाले हैं। वो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, कौन? वायु, प्रकाश, अग्नि, बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। कहते जहां वो दौड़ करके पहुंचते हैं वहां भी वो है, कौन है? परमात्मा। समझे? उनकी गति, परमात्मा जो है उनकी गति सबसे तेज है, लेकिन वो एक है, एक जगह पे है, वो चलता नहीं है, जाता नहीं है कहीं। जब वो जाते नहीं है, कहते तो अग्नि हवा, अग्नि वायु इत्यादि जो देवता हैं, मन इत्यादि जो देवता हैं, वो दौड़ करके जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, वहीं पे क्या देखते हैं? वही परम सत्ता है। ये एक अद्भुत बात है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि परमात्मा एक स्थान पे होने पर भी सूर्य की तरह सर्वव्यापक है। सूर्य की भी व्यापकता में कमी है। सूरज जो है रात्रि के समय में पीठ के पीछे होने के नाते दिखलाई देता है, क्या दिखलाई देता है? लेकिन अंधेरे में भी उजाला है उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, अंधेरे में भी वो है। कहने का मतलब है जहां सूर्य की गति नहीं है वहां पे भी परमात्मा है। जहां सूरज नहीं जा सकता है, किसी भी कारण से हो जाए, सूरज की गति नहीं है, वहां भी परमात्मा। ये है इसका मतलब। कहते यदि उनकी सर्वत्र गति है, उनको अगर ना माने कोई तो क्या होगा जी? आत्म हन च आत्महनो जना असूर्या नाम तिलोका अंधेन तमसावृता। इसमें 16वें अध्याय का 16-19-20 नंबर श्लोक में यहां भगवान कह रहे हैं, असुरियों, असुर जो लोग हैं, असुर लोग जानते हो, असुर किसे कहते हैं? कहां ध्यान है? सोलहवें अध्याय का 16-19 असुर कहते हैं, सुर किसे? सुर, सुर किसे? सुर किसे? असुर, सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब जो असुर, उनके विपरीत। सुर जो देवता लोग हैं उनकी पहले उन्होंने एक श्लोक में बोल करके बतलाया कि जो लोग इस प्रकार से चलेंगे वो लोग फंसेंगे नहीं। किस प्रकार से चलेंगे? उस परमात्मा का सब कुछ है, उस क्योंकि वो सर्वत्र है, सब जगह उसी की स्थिति, उस परमात्मा का सब कुछ है। जब सब कुछ उसी का है तो मैं किसका हूँ? मैं किसका? सब कुछ सर्वत्र उसी का है तो मैं किसका हूँ? उसके बिना कुछ भी नहीं है तो मैं भी क्या हुआ? मैं भी वही हुआ, मैं भी परमात्मा हुआ, है ना? नहीं हो गया कि नहीं? ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुणों से हम सब परमात्मा से अलग नहीं है। यहाँ पे
जब सब कुछ परमेश्वर है। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, जो देवता हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं, जो असुर हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं। असुर और देवता सर्वत्र दर्शन करने पर भी असुर कैसे बुद्धि के होते हैं, विचारों के होते हैं, और देवता किस प्रकार के। देवता जो लोग हैं वो लोग परमात्मा को सर्वत्र मानते हैं। देवता का मतलब ये देवता नहीं, अरुण वरुण इत्यादि की बात नहीं, वह देवता जो देव के लिए है, परमात्मा के लिए जो है भक्त। एक श्लोक आप लोग पाठ करते हैं, तद विष्णु हो उसका अर्थ मालूम है। हाँ जी, तद विष्णु परम पदम सुधाम प्रभु, तद विष्णु परम पदम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है परम पद। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति, हमेशा दर्शन करते हैं। सूर्यो अर्थात देवता, देवता मतलब यहां सूर्य कौन है, सूर्य देवता नहीं, जिनके पाद पद्मों को हमेशा दर्शन करते हैं वह सूर्य अर्थात भगवान के भक्त, उनके चरण कमलों को सदा पश्यन्ति, ऐसा नहीं देखते थे ना देखेंगे, नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब दर्शन करने वाला भक्त भगवान के चरण कमल और भगवान और दृश्य ये जो है ये तीनों ही नित्य हैं। जो ज्ञानी लोग तथा कथित ज्ञानी लोग जो अपने आप के ज्ञान की प्रतिष्ठा करते कहते आज जो जिसे तुम देख रहे हो, आज जो तुम साधना कर रहे हो, वो सारी की साधना, सारी की सारी साधना एक दिन विलीन हो जाएगी, त्रिपुटी नाश हो जाएगी। लेकिन भक्त ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये कहता नहीं ऐसा नहीं, तुम जिसे देख रहे हो वो भी नित्य है, तुम भी नित्य हो, और ये दृश्य जो है ये नित्य है, ये तीनों तत्व नित्य हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति देखता है या पश्यति सा पश्यति, जो देखता है वही देखता है और कोई नहीं देखता है। कहते हैं इस प्रकार से चराचर में कर्ता धर्ता मालिक उसे समझते हुए जो उसके अनुसार चलता है वो कौन हुआ, कौन हुआ, ठीक है ना, और जो उनके अनुसार नहीं चलता वो कौन हुआ, असुर है। असुर है, कैसे हैं वो लोग असुरिया, नाम ते लोका अंधेन तमसा प्रता तांस तांस तस्ते प्रत्याभिगच्छति ये के आत्म च आत्म हनो जना। क्या श्लोक निकाला दिया आपने, सोलह का सोलह है, बीस बीस केड़ा आशा पाशा अनेक चित्त विभ्रंता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम जकड़ा हुआ है, प्रसक्ता काम भोगेशु, और बड़े प्रसक्त आसक्त नहीं है, पूरी तरह से आसक्त है काम में, वासना में और भोग में। भोग भोग कितने तरह के होते हैं, भोग का कितने तरह के भोग करते हैं हम लोग, हाँ जी बोलिए कितने तरह से भोग करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ठीक है, पांच इंद्रियों से पांच तरह। भोग का मतलब केवल खाना नहीं है, खाना तो है ऐसे खाना चबाना नहीं, आंख से भी खाता है दिमाग, कान से भी खाता है। बड़ी सुंदर एक बात अगले उपनिषदों में आएगी, मैं उसे पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर लगा। कहते हम हर चीज को, किसी भी चीज को हम देखते हैं केवल मात्र, मतलब किसी भी चीज को हम देखते हैं। कैसे, अब आप देखिए, आपको अगर कोई बोलता है भाई तू सो के देख ले तेरे को अच्छा हो जाएगा, तो सो के क्या, खा के देख बड़ा अच्छा लगेगा, खा के क्या दिखाई देगा, जो अंदर गया खा के दिखेगा, खा के खाने के बाद दिखेगा तो नहीं, खाने के बाद दिखेगा नहीं, लेकिन क्या बोलते खा के देख, तू सुन के देख दीवाना हो जाएगा,
तो सुन के क्या देखना होता है? ये है दर्शन शास्त्र, ये है ऋषियों का सिद्धांत कि प्रत्येक तत्व, प्रत्येक वस्तु को एक है देखने वाला और एक है दृश्य। देखने का जो तरीका है वो जरूरी नहीं है कि आंख से दिखाई दे, बात समझे? आंख से ही दिखता है ऐसा नहीं है, जीभ से भी दिखता है। दिखता कि नहीं? जीभ से देखा कभी? चेक करते हैं जीभ लगा के। हाँ, देखा ना? जीभ से दिखता है कि नहीं? जीभ से स्वाद दिखता है। नाक से क्या दिखता है? गंध और दुर्गंध दिखती है। तो दृश्य का मतलब, देखने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु सामने है, वस्तु के अनुभव को ही दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार ही आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है आत्मा साक्षात आकार है, दिखता है, लेकिन वह दिखने का मतलब चर्म चक्षुओं के सामने नहीं है। इसका मतलब है नहीं, है, दिखाई देता है, लेकिन कौन नहीं देख पाता है? यहां पे वो बात कहते हैं जो अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार के जिसका चित्त जो है विभ्रांत हो रखा है, मोह जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है, और काम तथा भोग में पूरी तरह लिप्त, पतंती नरके असुचो, वो लोग नरक में जाते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। मानव शरीर तथा अन्य शरीरों, ये मानव शरीर अन्य शरीरों से श्रेष्ठ है, होने पर भी संसार सागर में तरने के लिए इसमें एक उपाय मिला है। एक हमको ये क्या मिला? इस संसार सागर से निकलने का एक उपाय मिला, एक रास्ता मिला। इसको अगर हम ना देख करके, इस शरीर में आसक्त होकर के, इस शरीर को लेकर के, मतलब इसी को लेकर के सब कुछ करते रहे, इसके लिए ही अपनी सारी ऊर्जा को लगाते रहे, तो कहते हैं वो कहाँ जाएगा? पतंती नरके अशुचो। क्यों? क्योंकि वह प्रसक्त काम उपयोग है, आसक्त नहीं है, प्रासक्त है, प्रकृष्ट रूप से आसक्त है। और 19 नंबर श्लोक भगवान ना तानहम विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्यां जस्रम अशुभान आसुरिश्व वैव योनिषु। वो द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से हिंसा द्वेष करते हैं, केवल मात्र शरीर में आसक्त होकर के, शरीर जिससे है उसकी तरफ ध्यान ना दे करके केवल शरीर शरीर में लगे रहते हैं, वो लोगों को बार बार नरकों में क्यों भेजते हैं? किसी बच्चे को बार बार स्कूल क्यों भेजा जाता है? उसका अज्ञान दूर करने के लिए, उसको पढ़ाई लिखाई करे, ज्ञान हो उसको। इसी प्रकार से भगवान बार बार उसे संसार में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? अधम योनि, उसे नरकों में जाना। कहते हैं नरकों में जाने के बाद अगर मनुष्य को याद हो कि मैं नरक से होकर आया हूँ, तो फिर वो द्वारा नरक में जाएगा? कहते नहीं, वो फिर भी जाता है। क्यों जाता है? उसका कारण ये है, जो मूड है वह व्यक्ति कभी भी मार खाने पर भी नहीं सुधरता। आप देखिए, जो लोगों की आदत अभ्यास इतना गंदा हो गया कि वो ऐसे शब्द बोलते सुने जाते हैं, ससुराल जा रहे हैं, जेल को क्या बोलते हैं? ससुराल। ऐसे लोग भी दुराचारी को जो जेल को ससुराल बोलते, वास्तविकता में जेल तो पड़ताड़ना के लिए, उन्हें शासन करने के लिए है, उनको सुधारने के लिए है। उसी प्रकार नरक भी आत्मा को सुधारने के लिए भगवान का एक शासन है, परंतु मूढ़ व्यक्ति जो नरक में आते जाते अपने आप को, अपनी सत्ता को भूल चुका है, ऐसा व्यक्ति कर्मों में हमेशा लिप्त रहता है। इसलिए यहाँ पे इस ईशोपनिषद में कहते हैं जो लोग
तदी जनति तन्ने जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य विदु सर्वस्य अस्य वायत। ये परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। देखो वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते, ऐसे कैसे हो सकते? दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव और गुण क्रिया जिनमें रह सकती है, वही तो परमेश्वर है। एक ही समय में दिन और रात कभी हो सकता है? रात भी और दिन भी है, कभी होता है? अंधेरा भी है उजाला भी है, ऐसा कभी होता है? केवल परमात्मा में ही ये संभव है कि एक साथ में दोनों है। कहते दूसरे प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में तथा लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण सकार रूप से प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, ये उनका चलना, और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित हैं, ये उनका ना चलना। भगवान का जो धाम है उसका नाम है गोलोक। क्या नाम है? गोलोक। गो का अर्थ होता है आत्मा, गो का अर्थ होता है प्रकाश, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है भक्त, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ बहुत से है, गो का अर्थ पृथ्वी होता है। कहते गो का अर्थ गोल होता है, गोल गोलोक। कहते जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये जो रूप है भगवान जो प्रकाश रूप से सर्वत्र व्याप्त है। थोड़ा मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, चार श्लोक पांच श्लोकों के, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारा विषय क्या प्रॉपर चल रहा है और क्या बात समझे। इसी प्रकार श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्य को कभी दर्शन नहीं देते। यहाँ कह रहे हैं कि वह दिखते नहीं है, अर्थात जिसकी श्रद्धा नहीं है प्रेम नहीं उसे दिखते नहीं। कहते हैं वो दिखते नहीं है, एक बात बोली दिखते नहीं है, फिर बोलते दिखते हैं। इसका मतलब दिखते उनको नहीं जिनका श्रद्धा और प्रेम नहीं है, दिखते उनको है जो लोग प्रेम की जो दूर दूर उनके लिए दूर से दूर हैं चाहे, और वो प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं उसके लिए वे समीप से समीप हैं। किसके लिए? प्रेमी जनों के लिए, नजदीक से नजदीक। और जो लोग भगवान से प्रेम ही नहीं, भगवान को चाहते ही नहीं, उनके लिए वो दूर से भी दूर, मतलब जहां तक वो सोच सकते इतनी दूर होगा, कहते उससे बहुत दूर। और जहां हम सोचते हैं कि भगवान का धाम तो वो लोग धाम है, हम लोग कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे, भगवान कब बुलाएंगे, जब हम इस भावनाओं में भावित रह करके भजन साधन करते हैं तब हम उनको अपने नज़दीक नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं चिंतन करते हैं कि भगवान नाम के रूप में मेरे साथ में विराजमान, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में, तब हम उस नाम की सेवा करेंगे, ना कि नाम के साथ मजाक करें। बात समझे? भगवान का नाम जब हम प्रेम से लेंगे तो वो सेवा होगी, भगवान का नाम का मजाक करेंगे, मजाक का मतलब बहुत तरह के मजाक, किसी भी तरह तो मजाक करेंगे तो वह दूर से दूर है, मतलब प्रेमी जनों के पास हैं और विषयों से दूर हैं। कहते कैसे ये सब हो सकता है?
ये संभव कैसे? कहते जब वो सर्वत्र हैं, सर्वत्र उन्हीं की शक्ति है, इवन कि मैं स्वयं जब उन्हीं का अंश हूं, मवेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, जब मैं स्वयं उनका ही अंश हूं तो मेरे से दूर कैसे हो? दूर तो हो ही नहीं सकते। जैसे जैसे सूरज की रोशनी सूरज से दूर है क्या? वो दूर दिखती है लेकिन सूरज में ही है। वो प्रत्येक सूरज की रोशनी के प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक कण में हम सूरज को देख सकते हैं। छोटी सी रे में भी सूरज को देख सकते हैं उस रे के माध्यम से, सूरज की रोशनी के माध्यम से। इसी प्रकार से आत्म स्वरूप में जब जीव झांकता है, अंतर्मुख होता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब परमात्मा साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब स्वयं को जानना का मतलब ही परमात्मा को जानना। इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं परमात्मा हो गया। स्वयं को जानने का मतलब परमात्मा को जानने का मतलब एक है, मतलब कि आत्मा और परमात्मा के जो गुण हैं सच्चिदानंद, वो एक ही हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं इस पंचम श्लोक में, पहले से पांचवें श्लोक का मैं संकल्पन कर रहा हूँ। पहले श्लोक में बोला कि समस्त समस्त जगत में है, उनको उनके लिए जब वो सब लोगों में सब कुछ उन्हीं के द्वारा, तो कहते उनके लिए तुम त्याग करो अर्थात उन्हें समर्पण करो, या जो उन्होंने दिया है उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करो। द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम उनके हित में उनके लिए पूजा इत्यादि करोगे तो तुम इस कर्म में लिप्त नहीं होगे। तीसरे श्लोक में कहा है अगर तुम उन्हें नहीं चाहोगे, जैसे कई लोग बोलते ना हमको नहीं लेना देना कोई भगवान से, तो ना जी मैं नहीं मानता सूरज को, ना मानो भाई सूरज को। सूरज को ना मानने से तुम्हारा नुकसान है, सूरज का क्या नुकसान है? मैं सूरज को नहीं मानता, जब सूरज की रोशनी होगी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं निकलूँगा, सूरज से जो पका होगा मैं नहीं खाऊँगा। अब नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान, उसका तो कोई नुकसान नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो असुरिया है अर्थात जो असुर लोग हैं, जो इस संसार में अंधतम अवस्था में फंसे हुए हैं, वो लोग आत्महन गति अर्थात लोगों में जाते हैं। और फिर उसके बाद कहा कि वह सर्वशक्तिमान कहीं भी नहीं जाता। जितने भी देव हैं, जितने भी शक्तियां हैं, वो जहां दौड़ करके जाएंगी, जिधर भी जाएंगी, उस तरफ जाएं या उल्टी तरफ जाएं, जिधर भी जाएं, वो परमात्मा वहां पे है। बड़ी सुंदर बात है, इस मजाक मतलब हमने सुन तो ली है, जिस दिन समझ में आएगी उस दिन समझ में आएगा कि हम परमात्मा के भीतर ही हैं, हम बाहर हैं ही नहीं, हम उनसे अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। नहीं समझे? समझ में आना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन ये समझ आएगा कि जब सर्वत्र वो हैं तो मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, सर्वत्र हुआ तो मुझे साधन की क्या जरूरत है, तो साधन की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे भीतर भी वो हैं, मेरे शरीर के रोम रोम में उन्हीं की शक्ति व्याप्त है क्या? उन्हीं की शक्ति व्याप्त है, सारी क्रियाएं उन्हीं के शक्ति के द्वारा हो रही हैं, तो फिर मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, मुझे कुछ साधन की भी क्या जरूरत है, तो साधन करने की जरूरत है। वो साधन तो एक तरह से धोखा हुआ। ये है नास्तिक विचार, ये है आसुरिक विचार। जब मैं अपने आप को उनसे अभिन्न समझते हुए भोक्ता बन जाऊंगा कि जब मैं उनमें हूं वो मेरे में है, सब कुछ उनके द्वारा है, सब कुछ मुझ में है, जो उनमें है तो मैं भी वही हूं, जब इस प्रकार का भोक्ता भाव आता है तो कहते हैं वह लोग कभी भी भगवान को नहीं कर पाते। पंचम श्लोक में ये आया कि वह कहीं भी नहीं जाते और बस दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं कहां पर, जहां भक्त। इसलिए हम लोग षष्ठ श्लोक में चिंतन करते हैं
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वंतयामी परम पुरुष प्रभु को परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सर्वत्र सर्वदा अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता है। गीता का 6 अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतात्मनि चात्मनि इच्छति योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये आप लोग श्लोक आपके सामने हैं गीता जी, इसमें 6 अध्याय का जो 29वां श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, पढ़िए पढ़िए जोर से। पढ़िए उसको। सर्वव्यापी अनंत चेतन एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित कल्पित देखता है। क्या अर्थ होगा इसका, क्या अर्थ होगा इसका? उसको लीजिए बोलिए। श्लोक में मिल रहा है 6 अध्याय 29वां सर्वभूतस्थम आत्मा नाम सर्वव्यापी अनंत चेतन में योग से युक्त आत्मा का सभी व्यक्ति जो इस दर्शन को साधना से किसी भी क्रिया से पा चुका है, जिसमें वो परमात्मा को सर्वव्यापी देख रहा है और सब कुछ परमात्मा को ही सबका कारण जान रहा है, वो प्रत्येक प्रत्येक को समभाव से देखने वाला बन जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक को और प्रत्येक के कारण परमात्मा का दर्शन करता है, वो कारण का दर्शन करता है पीछे, वो माध्यम का दर्शन जो है उसके लिए सब लोग माध्यम हो जाते हैं और पीछे एक कारण हो जाता है, इसलिए वो कारण का दर्शन करते हैं सबके लिए समदर्शी हो जाता है। इसका अर्थ है सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला जो जीव है, सर्वत्र समस्त जीवों में एक ही परम पुरुष परमात्मा की शक्ति है, अर्थात जब सब में वही है उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर जड़ क्या है? जड़ तो कुछ वस्तु है ही नहीं ना, फिर जो जड़ कुछ कुछ भी दिखाई दे रहा है उस जड़ के पीछे उसको धारण करने वाला चेतन यदम धारिय जगत तस्तन्य विद्धि प्रकृति में परा, इससे परे मेरी एक प्रकृति है जिसका नाम है परा, वो इसने धारण कर रखा। जब वह यह दृष्टि है
कि सर्वत्र सब कुछ उसके द्वारा है, उसके कारण से है। ये भाव जब आ जाता है, वह ऐसा योग युक्त आत्मा उसमें जुड़ जाने लगा। ये योग युक्त ऐसे नहीं हो जाते, उसमें कल्पना करनी पड़ती है। पहले ध्यान धारणा होता है, ध्यान करना धारण करना, जो तत्व है उसका ध्यान करना और ध्यान करके उसको धारण करना। ये बात तो सत्य है ना कि मेरी ये चमड़ी के इतने से अंश में करोड़ों जीव हैं, लाखों जीव हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तब ये चमड़ी बनी। यहाँ से जैसे कहीं कहीं ये चमड़ी ये डेड है, यहाँ से उखड़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा चमड़ा, लेकिन इस जगह पे कोई क्रिया नहीं क्योंकि यहाँ पे मर चुके हैं जीव। तो सारे के सारे जीव हैं तो मेरे जैसे ही, जब वो सारे के सारे मेरे जैसे हैं तो इस शरीर में एक भी कण ऐसा बता दो, एक भी जगह ऐसी बता दो जो कि उस आत्मा के बिना, जब उस आत्मा के बिना है ही नहीं, तो मैं भी छोटा सा कण हूं। अगर मैं इन्हीं आत्माओं के बीच में बैठ करके स्वयं को परमात्मा के बीच में अनुभव करूंगा, तब वो कहते हैं वह व्यक्ति जो है सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राणी मात्र में देखते हैं और सबको सर्वांतर्यामी परमात्मा में देखता है। जो ऐसा देखने वाला है, यहाँ क्या कहते हैं, ऐसा देखते हुए मन ही मन सबको प्रणाम करता है। ये दो मंत्र अगले जो बताए हैं, इन दो मंत्रों में कल को हम 7 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। आत्मा ज्ञान स्थिति में, आत्मा के ज्ञान में स्थित जो व्यक्ति है उसके दर्शन की बात है। इसमें अंदर वो द्वेष कर ही नहीं सकता, उससे द्वेष हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्रोध का प्रकाश करे, क्रोध के अधीन नहीं, क्रोध को प्रकाशित कर। प्रकाशित करना और अधीन होना, इन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। प्रकाशित करने का मतलब है कि क्रोध जरूरत पड़ने पर उसने किया, परंतु उसके अधीन नहीं। भूतों से जीव नहीं बनते, पंचभूतों से ही बनने को शरीर जो जीव है वो भूत के बाद की स्थिति, पंचभूतों के बाद है, उसके बाद वो शरीर पंचभूतों से बना है। जीवों का इसमें क्या लेना है? पंचभूतों का धारण करना, पंचभूतों का अगले विषयों में आया, पंचभूतों का एक दूसरे के साथ जुड़ना, पंचभूतों में जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी का मिश्रण होना, ये सारे जीव हैं। पंचभूतों को मिश्रित जीव करते, जीव ही करते, जीव के बिना यह एकदम धारित जगत, इसके अलावा तस्तु अन्य, इससे अन्य विधि प्रकृति में परा, मेरी परा प्रकृति जीव भूतां महाबाहो अर्जुन, वो जीव ही यह एकदम जिन्होंने इस इदम मतलब ये शरीर भी है, इदम मतलब ये संसार है, यह इदम हरेक जगत, एक तरह से एक जगत है। इस पिंड को ब्रह्मांड कहा गया है, इसका भी अंदर बाद में हम लोग अन्य जो गहरे उपनिषद मंदिर को उपनिषद क्या दिया उनके अंदर ये चर्चा है। ये भगवद्गीता में ये विशेषता है, मेरे को अच्छा लगा कि जिसने भी ईशोपनिषद की इसमें व्याख्या प्रकट की, कठोपनिषद की व्याख्या प्रकट की, उन्होंने साथ साथ रेफरेंस गीता जी कर, तो भगवान ने भी कहा यह एकदम धारित जगत, जगत को भगवान ने धारण किया ऐसा नहीं बोला। इतस्तु अन्य विधि प्रकृति में, मेरी परा प्रकृति ने धारण किया। कौन है वो परा प्रकृति? जीव भूताम, जहां से जीव उद्भूताम, जहां से जीव प्रकट हुआ। तो इसलिए कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो जड़ है केवल, उसका आपस में मिश्रण ही चेतन के कारण। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, हवा कैसे आया, शब्द, शब्द अगर
आकाश में प्रवेश नहीं करता, आकाश में वो तीव्र गति से नहीं जाता, तो हवा का संचालन होता नहीं। शब्द कहाँ से आया? आत्मा, अर्थात आत्मा का समूह जो है, आत्मा का प्रेशर जो है, वो आकाश में संचालित होने से शब्द गुंजा जाता है, और उस शब्द के गुंजन से जो है वो एक हवा बनी, और ये है उन आत्माओं का सम्मिश्रण। मतलब आत्मा और तत्वों में घनत्व नहीं होने के कारण वही तो आत्मा है। प्रणव केवल हम लोग प्रणव बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रणव देखेंगे वो इतनी इतना इतना विस्तीर्ण उसका, इतना सुंदर और इतना भयंकर, इतना सौम्य और इतना शक्तिशाली शब्द है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जो दूरी बनाए हुए हैं, एक दूसरे की दूरी के द्वारा वो चल रहे हैं, ये केवल मात्र उसी शब्द के कारण से चल रहे हैं। शब्द शब्द नाद उपनिषद अगर देखेंगे, नादबिंदु उपनिषद, नाद उपनिषद दो तीन चार उपनिषद एक साथ में, तो उसमें इसके विषय में थोड़ा बड़ा नजर आता। शब्द ब्रह्म है और शब्द ही आत्मा है, आत्मा का प्रकाशक रूप जो है वो शब्द, दृष्टि रूप से भगवान की दृष्टि के द्वारा जो है वो आत्माओं का प्रवेश जो है जड़ माया में होता है, और तो जड़ माया मतलब जो क्रियाहीन है। भेद ये तो आत्मा और परमात्मा भेद है नहीं, केवल उसकी क्वांटिटी का भेद है, वो विभू है हम अणु हैं। खत्म हो गया ना, भगवान ने कहा मैं प्रणव, तो वो प्रणव आत्मा स्वरूप है, प्रणव आत्मा स्वरूप है, प्रणव परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा दो शब्द हैं। प्रणव उसी प्रकार से है जिस प्रकार से स्वयं प्रकाशमान सूर्य, और प्रणव का ही प्रकाश जो है सूर्य की किरण, ये जो किरण और प्रकाश जो है ना, ये जैसे अभिन्न एक ही, उसी प्रकार से है।